रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेवन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स यूनिट वन ऑपरेशंस ऑन सेट एक्सरसाइज नंबर वन क्वेश्चन नंबर सिक्स। बिफोर स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। Look here, operations on sets, union of sets. A set containing all the elements of A and B is called the union set of set A and B. For example, if there is a task where you find the union of two sets, तो आप जो नीचे एक set बनाओगे उसमें आपने A और B के सारे elements दोनों के write करने होंगे, okay? This will call the union of two sets. On the next page, look here the about the intersection of two set. A set containing the common elements of A and B is called the intersection of set A and B. For example, look here the example, यहाँ पे set A है, set B है, तो आपने दोनों में देखने क्या चीज़ common है, दोनों में 3 common है, same है, दोनों में 9 है, तो आपका answer आएगा 3 and 9, okay? Intersection में आपने common write करने है। And difference of the different set of any two sets A and B is the set of the element ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल आपने ए और बी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है लाइक दिस, ए माइनस बी, आपने फर्स्ट ए का सेट राइट करना होगा माइनस बी, तो आपने वो एलिमेंट्स ए के राइट करने हैं जो आगे में नहीं है, टू और थ्री अगले सेट में है, तो 0 and 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इफ ए इज़ अ सब सेट ऑफ द गिवन यूनिवर्सल सेट, देन द सेट ऑफ कम्प्लीमेंट नॉट सेट ऑफ एलिमेंट्स सॉरी नॉट इन ए इज़ कॉल्ड इट्स कम्प्लीमेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल आप ये यूनिवर्सल सेट के अंदर से बनाए ए सेट आपका, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करें ए कम्प्लीमेंट यू माइनस डिफरेंस ए, यू से उसका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे यू माइनस ए, तो यू के वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नीचे राइट करोगे जो ए सेट में नहीं होंगे। लुक हियर द क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज़ ऑन पेज नंबर 17। If a universal set is equal to have the elements 0 to 8 and A is equal to 0 1 2 3, B is equal to 2 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8 and D is equal to 2 4 6 8, then find A union B, B union C, C union D, A intersection also A complement, B complement, C and D, and next also difference. For the solution, look here the notes. Now we discussed a question number 6 from notes. First is a process is A union B. First you write the A set, then union B set, and in the union set you will write all the elements of set A and B, okay? Look here, take 0 from this set and 1 also this, and 2 dono sides mein hai to aapne one time write karna hoga, then 3 dono mein hai, dono sets mein hai to aapne one time write karna hai, then 4 5 6 is tarah aapne combine karke dono ke write kar dene hai, union mein aap sab isi tarah karoge, then intersection जहाँ पे फर्स्ट ए है तो ए का सेट राइट करोगे, इंटरसेक्शन देन बी का सेट, तो इंटरसेक्शन में आपने देखें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम है 2 and 3, योर आंसर विल बी लाइक दिस। देन हियर इज़ द कम्प्लीमेंट, यू माइनस ए आप करोगे यूनिवर्सल सेट किससे, इसको माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, तो यू के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो आगे नहीं है, 0 भी आगे नहीं है, 0 आगे है सॉरी, 1 भी आगे है, 2 भी है और 3 भी है, यहाँ तक सारे एलिमेंट आगे हैं, देन 4 5 6 7 8 नहीं है, वो आप राइट कर दोगे। इसी तरह अगर आपने किसी भी और सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सी का यू माइनस सी करोगे, डी का करना है तो यू माइनस डी, ओके? और लुक हियर दिस ए डिफरेंस बी, तो ए का सेट डिफरेंस बी का सेट आप राइट करोगे, तो ए के वो सारे एलिमेंट राइट करोगे जो आगे नहीं है, आपने बी को कंसीडर नहीं करना कि उसके कौन से एलिमेंट नहीं है, अगले को आपने फर्स्ट सेट के देख चेक करने होंगे कि कौन से एलिमेंट आगे नहीं है, 0 and 1 नेक्स्ट सेट में नहीं है, तो आपने वो राइट कर देने हैं। इस तरह आपके 4 ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट एंड difference.